नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि मैंने कल ही आपको बता दिया था कि मैं लाइव आ रहा हूं, तो आज हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, त्यौहार। जैसा कि पहले आपने अगर वीडियो देखा है तो उसमें मैंने त्यौहार के दो पार्ट डाल रखे हैं, उसमें आवाज़ वगैरह सही नहीं थी, कुछ संशोधन करके आज हम पढ़ते हैं ईसाइयों के त्यौहार। जैसा कल एक त्यौहार गया, आप सभी को पता है, क्रिसमस डे 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक है ईसा मसीह, इनका जन्म हुआ था बेथ लेहम शहर में, तो उसकी याद में जन्म होने पर 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। यानी इस धरती पर ईसा मसीह आए। आप सिर्फ इस चिन्ह को ध्यान से देखिए। दूसरा त्यौहार आता है गुड फ्राइडे। फ्राइडे माने क्या होता है? शुक्रवार। गुड बाय यानी वो इस धरती से चले गए। क्या कर गए? गुड बाय। गुड माने गुड बाय, फ्राइडे शुक्रवार के दिन। फिर तीसरा त्यौहार इनका ईस्टर। ईस्टर के पीछे देखो क्या लिखा हुआ है, रह लिखा हुआ है। पुराने जो प्रश्न पत्र है उनमें प्रश्न आया कि ईसाई धर्म में ईस्टर की क्या मान्यता है। रविवार के दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए, यानी गुड फ्राइडे शुक्रवार को, ईस्टर से जस्ट पहले वाला चले गए, यानी इस दिन वो चले गए थे, इस दिन वो वापस आ गए, यानी अब वापस धरती पर आ गए। पहले आए फिर गए, अब क्या हो रहा, वापस आ गए। फिर एक त्यौहार हो रहा था इनका असेंशन डे। यानी ईस्टर वाला जो त्यौहार है, यानी जिस दिन वो पुनर्जीवित हुए उसके 40 दिन बाद ये आता है असेंशन डे। इस दिन क्या हुआ कि वापस चले गए, तो हम इसको कह सकते हैं एक बार चले गए, फिर आए फिर चले गए। कब गए? 40 दिन बाद। तो ये ईसाई धर्म के मुख्य जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पटवार हो, अपने जो भी आ रखी है डी ग्रुप वाली भर्ती, इसके अलावा राजस्थान पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम में ईसाई धर्म से जो त्यौहार से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो यही रहेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं सिंधी समाज। देखो यहीं से याद कीजिए, सिंधी समाज, सिंधी में सिंध नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है? सिंध। पहले मैं इनके त्यौहारों के नाम लिख दूं। जैसा एक त्यौहार है चेटी चंड, एक का नाम है थदड़ी या बड़ी सातम, या एक हम बोल सकते हैं चालीहा महोत्सव, और एक असु चंड पारो। ये फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को आता है, 14 लिख दिया मैंने चतुर्दशी। अब चेटी चंड बड़ी सातम चालीहा महोत्सव क्या है, सुनिए आप ध्यान से। पहला शब्द क्या है? सिंध। इसका पहला अक्षर क्या है? चे। यानी चेटीचंड का त्यौहार कब आएगा? चैत्र महीने में। चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष में द्वितीया को,
चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, यानी जिस दिन हिंदू समाज की बात करें उसमें एक त्यौहार आता है सिंझारा, चैत्र के महीने में सिंझारा दो बार आता है, ठीक है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीया को चेटीचंड के अंदर चेटीचंड त्यौहार मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है, सिंध प्रांत में एक जगह है थट्टा, थट्टा नामक स्थान है, यहाँ पर भगवान झूलेलाल जी का जन्म हुआ, जो इनके इष्ट देवता है भगवान झूलेलाल जी, इनके आराध्य देव है, उनका जन्म कब होता है थट्टा नामक स्थान पर चैत्र शुक्ल द्वितीया को, इस कारण त्यौहार कौन सा मनाते हैं चेटीचंड का। प्रश्न पूछा गया झूलेलाल जी किसके अवतार हैं, वरुण के अवतार हैं, वरुण के अवतार, वैदिक काल में भी वरुण देवता का उल्लेख हुआ है। अब ये लिखा हुआ है थदड़ी या बड़ी सातम, आप ध्यानपूर्वक सुने। हमारे राजस्थान में एक मंदिर है शीतला माता का मंदिर, जिसे हम बोलते हैं चेचक की देवी, बच्चों की संरक्षिका महामाई देवी बोलते हैं, चाकसू के अंदर मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर जब मेला भरता है उस दिन हमारे जो परिवार के अंदर हम देखते हैं कि ठंडा भोजन किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बाशोड़ा। तो अगर मैं इस थड़ी या बड़ी सातम को बाशोड़ा कह दूँ तो बिल्कुल ये प्रश्न सही हो जाएगा। अब वो बाशोड़ा कब आता है, चैत्र के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को, लेकिन थदड़ी या बड़ी सातम का त्यौहार कब आता है, भाद्रपद, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को, यानी भाद्रपद की कृष्ण सप्तमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, थदड़ी या बड़ी सातम। थदड़ी या बड़ी सातम है क्या, यानी इस दिन सिंधी समाज के लोगों द्वारा ठंडा भोजन किया जाता है, क्या किया जाता है ठंडा भोजन किया जाता है, और पीपल का जो वृक्ष होता है पीपल के वृक्ष पर चांदी की मूर्ति रखकर, चांदी की कोई मूर्ति रखकर उसकी पूजा की जाती है, वो थदड़ी या बड़ी सातम वाले दिन मनाया कब जाता है, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। हमारा जो बाशोड़ा आता है वो आता है चैत्र के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को, ठीक है। यानी हिंदू समाज के अंदर बाशोड़ा का त्यौहार चैत्र महीने में, जबकि सिंधी समाज में भाद्रपद महीने में। फिर लिखा हुआ है चालीहा महोत्सव, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, उत्तर है 16 जुलाई से 24 अगस्त, 24 अगस्त, 16 जुलाई से 24 अगस्त। चालीहा महोत्सव क्या है, जो ये सिंध प्रांत है यहाँ एक व्यक्ति था मृक्षा, क्या नाम था मृक्षा, दोबारा बोलिए मृक्षा। इस मृक्षा के अत्याचारों से तंग आकर सिंधी समाज के लोगों ने 40 दिन तक उपवास रखा, तब जाकर जन्म हुआ झूलेलाल जी का। जब झूलेलाल जी का जन्म हुआ और उनको अत्याचारों से मुक्ति मिली, तो वो जो बीच का काल है वो था चालीहा महोत्सव, 16 जुलाई से 24 अगस्त तक, ठीक है। तो सिंधी समाज के त्यौहारों में मुख्यतः बात करें चेटीचंड, थदड़ी, चालीहा महोत्सव, असुचंड पर्व, फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी, इस दिन क्या हुआ झूलेलाल जी अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए यानी इस संसार से चले गए। उस दिन कौन सा पर्व है, असुचंड पर्व, पहले चेटीचंड पर्व जब वो आए, फिर चले गए असुचंड पर्व, असु माने आंसू छोड़ गए थे, क्या छोड़ गए थे आंसू छोड़ गए थे, इसलिए अंतर ध्यान हो गए। पूछा जाए कि जब वो इस संसार से चले गए तो कौन सा पर्व मनाया जाता है, असुचंड पर्व, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को आप लगातार पूरा देखिए, और अपने जो साथी राजस्थान पुलिस की, पटवार की, रेट की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनमें ये कला संस्कृति के जो टॉपिक आते हैं, आप उनको सेंड कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि सबसे अच्छा देखने को आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। सारी जानकारी जहाँ तक संभव हो सके मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। अभी बात करते हैं जैन समाज की, चलो जैन समाज से पहले सिख धर्म है, सिख धर्म, सिख धर्म में अगर हम बात करें कौन कौन से त्यौहार हैं, तो एक आता है 13 जनवरी को, 13 जनवरी को लोहड़ी पर्व, उत्तर भारत का प्रमुख त्यौहार है लोहड़ी का त्यौहार, यानी सिख समुदाय के लोग जो होते हैं फसल पकने की खुशी में
कौन सा त्यौहार मनाते हैं? लोहड़ी। अब इसके अलावा एक और है, 13 अप्रैल, तारीख 13 ही है, महीना चेंज है, 13 अप्रैल को आता है वैसाखी। ये कौन सा त्यौहार है वैसाखी का? इस दिन क्या हुआ, 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? 10 हुए, गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, 10 गुरु। इनका वीडियो डाल रखा है मैंने, आप उनको देख लेना। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना कहाँ की गई है? आनंदपुर रोपड़ पंजाब। कहाँ की गई है बोलिए? अरे आनंदपुर रोपड़ पंजाब में। आनंदपुर रोपड़ पंजाब में किसकी स्थापना की गई है? खालसा पंथ की। प्रश्न पूछा गया, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ? पटना बिहार। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ है? पटना बिहार में हुआ है। प्रश्न आ जाए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना बिहार में, खालसा पंथ की स्थापना आनंदपुर रोपड़ पंजाब में। सिखों के कौन से गुरु? 10वें गुरु थे, जिन्होंने गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया। अभी आगे हम पढ़ते हैं, तो 13 जनवरी को लोहड़ी पर्व हो गया, 13 अप्रैल को वैसाखी का त्यौहार, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न पूछा जाए कि स्थापना कब की थी? 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को इसकी स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। रहने वाले कहाँ के हैं? पटना बिहार। इसके बाद में जो पर्व आता है वो है गुरु नानक जयंती और गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु नानक जयंती और गुरु गोविंद सिंह जयंती। दोस्तों एक वीडियो मेले का भी डाला हुआ है, उसमें भी मैंने गुरु नानक जयंती के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। और यहाँ हम बात करें कि ये कब आती है, कार्तिक पूर्णिमा को। कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा को। गुरु गोविंद सिंह जयंती कब आती है? पौष शुक्ल सप्तमी को। कब आती है गुरु गोविंद सिंह जयंती? पौष शुक्ल सप्तमी को। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया, गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया था, और इन्होंने जो इनका धार्मिक ग्रंथ है जिसे बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, उसी को गुरु माना है। गुरु ग्रंथ साहिब को, आदि ग्रंथ जिसे कहते हैं, उसी को गुरु माना है। गुरु परंपरा को उन्होंने समाप्त कर दिया था। गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी में हुआ, ननकाना साहब जिसे वर्तमान में कहते हैं, वो सारी चीज़ें वीडियो सिख धर्म का अलग से डाला हुआ है, आप उसको पूरा देखिए, वहाँ से समझ आ जाएगा। प्रश्न आए कार्तिक पूर्णिमा को कौन कौन से मेले भरते हैं, तो आपको मैं बता दूँ, कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला, पुष्कर मेला कहाँ भरता है? अजमेर में। कपिल मुनि का मेला ये भरता है कोलायत बीकानेर में। एक भरता है नीला पानी का मेला ये भरता है डूंगरपुर में। पुष्कर मेला अजमेर में, अजमेर के मेले वाले ट्रिक याद रखना कि एक बादशाह थे, दो सेनापति थे, लाल्यार काल्या, वो आप ध्यान से सुनना उसको। कपिल मुनि का मेला, नीला पानी का मेला डूंगरपुर में। फिर आता है हड़मतिया हनुमान का मेला ये भी भरता है डूंगरपुर में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक मेला भरता है चंद्रभागा पशु मेला भरता है
झालरा पाटन में, झालरा पाटन में, झालरा पाटन झालावाड़ में है। राजस्थान का नागपुर कहते हैं झालावाड़ को, झालरा पाटन झालावाड़ में भरता है। इसके अलावा एक और मेला है कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, वो साहवा गुरुद्वारा मेला, गुरुद्वारा मेला ये भरता है चूरू ज़िले में। सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? साहवा गुरुद्वारा मेला। कहाँ भरता है? चूरू ज़िले में। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेले, एक जयंती, 7 चीज़ एक ही दिन। तारीख कौन सी? कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है, अब सिख धर्म की बात कर रहे थे तो एक जगह और बता दूं मैं आपको, राजस्थान में बुड्ढा जोहड़ का मेला, बुड्ढा जोहड़ का मेला, बुड्ढा जोहड़ का मेला श्रीगंगानगर में भरता है, श्रीगंगानगर में भरता है। अब मेरे शहर का नाम आया है तो तारीफ भी कर देते हैं। मेरा सपना, मेरी ख्वाहिश, मेरा अरमान तुझसे है, मेरा हर शेर, मेरा नगमा तुझसे है, मेरी तरक्की में शामिल है तुम सबके प्यार का जज्बा, ए मेरे शहर की मिट्टी, मेरी पहचान तुझसे है। तो ये गंगानगर के लिए है कि मेरे शहर की मिट्टी, मेरी पहचान तुझसे है। गंगानगर अन्न का कटोरा जिसे कहते हैं। बुड्ढा जोहड़ का मेला भरता कब है इसको भी हम लिख सकते हैं, श्रावण अमावस्या को, श्रावण अमावस्या को, श्रावण अमावस्या को कौन कौन से मेले भरते हैं? श्रावण अमावस्या को मेला भरता है बुड्ढा जोहड़ का, हो गया। इसके बाद मांगल्यावास, मांगल्यावास में एक मेला भरता है जिसे बोलते हैं कल्प वृक्ष मेला, कल्प वृक्ष मेला। एक इसी दिन मेला भरता है डिग्गी कल्याण जी, डिग्गी कल्याण जी का मेला, डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक ज़िले में। एकीकरण के समय भारत राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत थी नवाबों की नगरी टोंक। तो श्रावण अमावस्या जिसे हम एक और नाम दे सकते हैं हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या भी कह सकते हैं। तो हरियाली अमावस्या को 3 मेले भरते हैं, एक तो बुड्ढा जोहड़ का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ कौन सी जगह, अरे जगह भी लिख लीजिए, डाबला गांव, कौन सा गांव है? डाबला गांव कहाँ पर है? रायसिया नगर में, रायसिया नगर कहाँ पर है? श्रीगंगानगर में। किसके द्वारा निर्मित है? बाबा फतेह सिंह द्वारा, बाबा फतेह सिंह द्वारा निर्मित। तो हम यहाँ सिख धर्म की बात कर रहे थे, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा को, 7 चीज़ें एक साथ, बुड्ढा जोहर का मेला, श्रावण अमावस्या को, उस दिन हमें कितनी चीज़ें याद रखनी है? 3 चीज़ें याद रखनी है, और श्रीगंगानगर जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और इसके जो वीडियो है वो पहले से डाले हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि इन चीज़ों को आप लिख लो साथ साथ। ये एक एक चीज़ें आपको एक जगह, अलग अलग जगह मिलेगी, एक साथ पढ़ने में आसान हो जाता है कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैन धर्म की। सिख धर्म, ईसाई धर्म, सिंधी समाज के बारे में हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म, देखो पहले मैं त्योहारों के नाम लिख देता हूँ जो मुख्यतः एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले नाम ले तो हम जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनका, ऋषभदेव जी, ऋषभदेव, तो ऋषभदेव जयंती पहला त्यौहार। फिर इनके तीर्थंकर पूछे गए, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, तो इसको बोलेंगे पार्श्वनाथ जयंती। फिर वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ऋषभदेव जयंती, पार्श्वनाथ जयंती, महावीर स्वामी। वीडियो को आप देखते रहें, इसके बाद में जो हिजरी संवत के महीने हैं, मुस्लिम धर्म के जो त्यौहार हैं उनके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो जैन धर्म, ऋषभदेव जयंती, पार्श्वनाथ जयंती, और उसके अलावा महावीर स्वामी जयंती, यानी महावीर स्वामी जयंती। अब मैं कहूँ ऋषभदेव जयंती क्या है? देखिए, ऋषभदेव जयंती मनाई जाती है चैत्र के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, या हम इसको
कुछ किताबें नवमी भी बता सकती है। ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को यहाँ मेला भरता है। ऋषभदेव जयंती का राजस्थान में मेला कहाँ भरता है? धुलेव उदयपुर में, धुलेव उदयपुर में और कोयल नदी के किनारे, कोयल नदी के किनारे, कोयल नदी किनारे। उसके अलावा अगर बात करें ऋषभदेव जयंती तो जैन धर्म के क्या हो गए, संस्थापक आदिनाथ जी भी कह सकते हैं, जो विमल वसई मंदिर है दिलवाड़ा में इन्हीं को समर्पित है। एक मंदिर है लूण वसई दिलवाड़ा माउंट आबू सिरोही जो बात करते हैं वो नेमिनाथ जी को समर्पित है। इनके रणकपुर के जैन मंदिर है, नाकोड़ा का पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, जैनों के बहुत सारे मंदिर हैं। फिर पार्श्वनाथ जयंती, पार्श्व का पा याद कीजिए। हमने यहाँ ऋषभदेव जी पहले संस्थापक है, याद करने का तरीका, पहले संस्थापक पहला महीना, पहले संस्थापक पहला महीना, चैत्र के महीने में जयंती आती है। पार्श्वनाथ जी पैसे महीना आता है एक ही, पौष का महीना, कौन सा आता है, पौष का महीना, इसमें आती है शुक्ल पक्ष की दशमी को, पौष शुक्ल सॉरी पौष कृष्ण पक्ष की दशमी को, पार्श्वनाथ जयंती कब आती है, पौष के महीने में कृष्ण पक्ष की दशमी को, पौष शुक्ल सप्तमी को तो गुरु गोविंद सिंह जयंती आती है। तो पार्श्वनाथ जयंती याद करनी है दसवीं। उसके बाद में कौन से तीर्थंकर है, ये 23वें तीर्थंकर। तो महावीर स्वामी कौन से थे, 24वें तीर्थंकर। महावीर स्वामी के लिए प्रश्न पूछा जाए कि जिस दिन महावीर स्वामी जयंती होती है उस दिन राजस्थान में एक मेला भरता है, श्री महावीर जी का मेला, कौन सा मेला भरता है इस दिन, श्री महावीर जी का मेला, श्री महावीर जी का मेला भरता है चांदन गांव में, चांदन गांव हिंडौन सिटी करौली, डांग की रानी के नाम से जाना जाता है करौली जिले को, हिंडौन सिटी करौली। महावीर स्वामी जयंती कब आती है, चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को, चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को। जैन धर्म में तीन जयंतियाँ, ऋषभदेव जयंती, पार्श्वनाथ जयंती, महावीर स्वामी जयंती। अब जो इनके त्यौहार हैं जिनमें एक नाम लूँ मैं, पर्युषण पारो, पर्युषण पारो, एक रोट तीज और एक नाम है सुगंध दशमी और एक और है पडवा ढोक। तो जैन धर्म के अंदर हम बात कर रहे हैं महावीर स्वामी जयंती, पार्श्वनाथ जयंती, ऋषभदेव जयंती, अब इनके बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो पहले जो आसान है वो आपको समझा दूं मैं, ये तीनों के तीनों त्यौहार, पर्युषण पर्व, रोट तीज, सुगंध दशमी, ये सारे के सारे त्यौहार भाद्रपद महीने में आते हैं। अगर आपने भाद्रपद महीने जो हिंदुओं का त्यौहार है उनको याद कर रखा है, जैसे मैं कहूँ कि तेजाजी का मेला कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। जब तेजाजी का मेला भरता है उसी दिन गुड्डा विष्णोई ग्राम में खेजड़ी मेला भरता है। जिस दिन खेजड़ी मेला तेजादशमी का मेला भरता है उसी दिन सुगंध दशमी मनाई जाती है। तो सुगंध दशमी का त्यौहार कब मनाया जाता है, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दशमी को। यानी एक साथ तीन मेले याद हो गए, सुगंध दशमी कब आती है, जिस दिन तेजादशमी होती है, और जिस दिन तेजादशमी होती है उस दिन कौन सा मेला भरता है, खेजड़ली मेला भरता है। रोट तीज, सुगंध दशमी क्या है, जैन मंदिरों में सुगंधित पेय पदार्थ को छिड़का जाता है उसको सुगंध दशमी कहते हैं। सुगंध आ रही है ना, बस उसी को सुगंध दशमी कहते हैं। रोट तीज क्या है, रोट तीज के अंदर रोट लिख रखा है यानी रोटी। रोट तीज के दिन मिसी रोटी खाते हैं जैन समुदाय के जो लोग होते हैं, मिसी रोटी, खीर, मालपुए ये बनाए जाते हैं। आती कब है, जब हरतालिका तीज होती है यानी भाद्रपद शुक्ल
तृतीया को। इसी दिन एक त्यौहार और मनाया जाता है जिसे बोलते हैं हरतालिका तीज। जो वीडियो मैं बता चुका हूँ, बार बार कह रहा हूँ आपको कि त्यौहारों के दो वीडियो पहले से डाले हुए हैं, आप उनको ध्यानपूर्वक सुने। राजस्थान के सभी त्यौहार, मेले, मंदिर आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो हम यहाँ से बात करें रोड तीज सुगंध दशमी की। वीडियो कैसा लग रहा है इसके लिए भी आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप अगर वीडियो पर कमेंट करेंगे तो आपके द्वारा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी बात कही जाती है उसी से ही हौसला मिलता है और फिर वीडियो बनाने को मन करता है। ठीक है, तो जितने भी परीक्षार्थी जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को मैं कह रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ताकि अपने और वीडियो बना सकें और प्रत्येक टॉपिक को आसानी से समझ सकें। पर्यूषण पर्व इसको एक बार छोड़ो, दो को ध्यान रखो आप। रोट तीज रोटी खानी है, कौन सी? मिसी रोटी, किंग साग है, खेर का साग है, मालपुआ। कद खानी है? भाद्रपद का महीना। कौन से महीने में खानी है? भाद्रपद के महीने में खानी है, शुक्ल तृतीया को। तीन रोटी खानी है भादुआ का महीना, शुक्ल तृतीया को। सुगंध दशमी, जिस दिन तेजादशमी, खेजड़ली मेला, भाद्रपद शुक्ल दशमी, तीनों एक साथ। हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। पर्युषण पर्व भी भाद्रपद महीने में ही होता है और इस दिन बच बारस का त्यौहार होता है। हमारे कौन सा त्यौहार होता है इस दिन? बच बारस का। ये दोनों एक साथ आते हैं। पर्युषण पर्व जो है इसको पर्वाधिराज कहते हैं, पर्वाधिराज। इसी को महापर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महापर्व। और इसी को कहा जाता है क्षमा पर्व। क्षमा पर्व यानी क्षमा पर्व से मतलब आप समझ चुके हो कि इस दिन जो जैन धर्म के लोग हैं वो क्या करते हैं? क्षमा याचना करते हैं। तो पर्युषण पर्व को पर्वाधिराज, महापर्व या क्षमा पर्व भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि ये कब आए, तो आपको एक ही तारीख मैंने बता दी, बच बारस। बच बारस होती है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को। पर्युषण पर्व को दो भागों में बांट दीजिए। एक का नाम था श्वेतांबर, श्वेतांबर। दूसरे का नाम दिगंबर। यानी जैन धर्म को दो भागों में बांट दिया हमने, वही चीज यहां हम बांटेंगे। श्वेतांबर, श्वेत प्लस अंबर, दिग्धन अंबर। श्वेत सफेद वस्त्र धारण करते थे, दिक माने दिशा, अंबर माने वस्त्र, यानी जिनके चारों ओर दिशाई वस्त्र है, जो नग्न अवस्था में रहते थे वो दिगंबर कहलाए, जो श्वेत वस्त्र पहनते थे वो श्वेतांबर कहलाए। अब श्वेतांबर जो लोग हैं वो मनाते हैं इस त्यौहार को भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक। कब तक मनाते हैं? शुक्ल पंचमी तक मनाते हैं। और दिगंबर वाले हैं वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी से इस त्यौहार को मनाते हैं भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक। अंतिम दिन जो होता है वो कहलाता है संवत्सरी। दोनों का अंतिम दिन क्या कहलाता है? संवत्सरी। और इसी दिन क्षमा मांगी जाती है। दिगंबर समुदाय के लोग चतुर्दशी के बाद में अगला जो महीना आता है आश्विन का महीना, आश्विन के कृष्ण पक्ष की एकम को क्षमा याचना करते हैं, उसी को पड़वा ढोक कहते हैं। पड़वा ढोक यानी ढोक देर वे क्षमा याचना करें बिना के बोले पड़वा ढोक। कौन से समुदाय के लोग? सिर्फ दिगंबर जैन, दिगंबर जैनों का है पड़वा ढोक। दोनों का अगर पूछा जाए पर्युषण पर्व कब? बच बारस। दोनों ही त्यौहार क्या है? माफी मांगन हाड़ा है, क्षमा याचना करने वाले हैं। पर्युषण पर्व कब आता है? बच बारस को आता है। पड़वा ढोक कब आता है? आश्विन कृष्ण एकम, जब हमारे श्राद्ध शुरू हो रखे होते हैं, आश्विन का महीना जिसमें श्राद्ध, फिर महाश्राद्ध, फिर शरद नवरात्र आते हैं, जिस दिन नौ कुंवारी कन्याओं को भजन करवाया जाता है, दुर्गाष्टमी आती है, उसके बाद में रामनवमी, फिर विजयादशमी, आश्विन शुक्ल दशमी को, जिस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। आप लोगों से प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया?
उत्तर बताइए। 22 मार्च 1957 को किसके समय? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। ये सारी बातें पहले वाली वीडियो में बताई हुई है और जो रह जाएगी मैं और आपको जानकारी देता रहूँगा। अब वीडियो को ज़्यादा आगे ना ले जाकर दूसरा ही वीडियो बना देंगे अपने, उसमें मुस्लिम धर्म के बारे में, मुस्लिम संप्रदाय और उनके जो त्यौहार है उसके बारे में बताऊँगा मैं आप लोगों को। तो जो मुसलमान है उनके जो महीने हैं हिजरी संवत के जो महीने, उनको आप पहले याद कीजिए। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादीउल अव्वल, जमादीउल सानी, रजब, शव्वान, उसके बाद में रमजान, शव्वाल, जिलकाद, जिलहिज, ठीक है। रजब, शव्वान, उसके बाद में शव्वाल, जिलकाद, जिलहिज, एक बार मैं लिख देता हूँ, याद कर लेना आप इनको। मुहर्रम, सफ़र, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी या थानी भी लिखा हुआ मिल सकता है कुछ किताबों में, जमादी उल अव्वल या जमाद उल अव्वल, एक ही बात है, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी। उसके अलावा अगर हम बात करें रजब का महीना, रजब, शब्बान, शावान भी मिल सकता है, रमजान, शव्वाल, जिलकाद और जिलहिज, कुछ प्रश्न यहीं से याद कर लेते हैं। ये हिजरी संवत के महीने हैं, हिजरी संवत के महीने। प्रश्न, जो हिजरी संवत का पवित्र महीना है वो कौन सा है? रमज़ान का महीना है। पवित्र महीना कौन सा है? रमज़ान का। तो पवित्र ग्रंथ कौन सा होगा? उसका नाम है कुरान। प्रश्न पूछा गया, कुरान में कितने अध्याय हैं? 144 सूरा है। कितनी सूरा है? 144 सूरा। उसके अलावा अगर हम बात करें ये महीना कौन सा है? रजब का। यह महीना कौन सा है? रमज़ान का। दोनों महीने में तारीख होगी 27, जो भी त्यौहार मनाए जाएंगे उनकी। पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। अंतिम महीना कौन सा है? जिलहिज। दोनों महीने में जो भी त्यौहार आएगा तारीख होगी 10, ठीक है दोस्तों। हम याद कर सकते हैं जो हमारे काम की बातें उनको। अब देखो इसमें लिखा हुआ है रवी उल अव्वल, रवी उल अव्वल, अव्वल कौन? मोहम्मद साहब, यानी इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद साहब। तो अव्वल कौन है? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म को मिले, मिले कब? मिलादुल नबी को, मिलादुल नबी को, मिलादुल नबी को, यानी ईद उल मिलादुल नबी, जिसे हम बोलते हैं बारा वफात। बारा वफात, वफात माने मृत्यु होता है, वफात का अर्थ क्या होता है? मृत्यु। तो अव्वल यानी इस महीने की 12 तारीख को, 12 तारीख को किसका जन्म हुआ? मोहम्मद साहब का। प्रश्न पूछा गया कहाँ हुआ? मक्का में जन्म हुआ है 570 ईस्वी में। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था और पत्नी का नाम खदीजा था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, पत्नी का नाम खदीजा। माता अमीना है, पिता अब्दुल्ला, पत्नी खदीजा। इनके जो ग्रंथ है वो हदीस नामक एक ग्रंथ में संकलित है। मोहम्मद साहब ने मक्का से लेकर मदीना की जो यात्रा की उसे बोलते हैं हिज्र। इस महीने में क्या लिखा आ रहा है? हिज, हज, यानी मुसलमान अपना हज किस महीने में पूरा करते हैं? जिलहिज के महीने में। लेकिन हिज्र की यात्रा जिसे हिजरत कहा जाता है वो मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से लेकर मदीना तक की गई थी, मक्का से लेकर मदीना तक। ये सारी जानकारी हम कब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जमादी उल सानी, इस महीने में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक, भारत में चिश्ती सिलसिला जो पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, बांग्लादेश में भी है, अफगानिस्तान में एक जगह थी चिश्त, वहाँ से ये सिलसिला उठा और मोहम्मद गोरी 1192 तराइन का जो दूसरा युद्ध था उस समय यहाँ पर
ख्वाजा मनुद्दीन चिश्ती आए जिनके गुरु का नाम शेख उस्मान हारूनी चिश्ती था। शेख उस्मान हारूनी चिश्ती मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है। जब ये चले गए यानी इनकी जब मृत्यु हो गई 632 ईस्वी में, 622 ईस्वी में इन्होंने हिजरी संवत शुरुआत किया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में उनकी जब मृत्यु हो गई तो भारत में 4 खलीफा हुए। इनके ससुर अबू बकर, उसके बाद में अबू बकर, उमर, अली, उस्मान। मोहम्मद साहब इनका पालन पोषण इनके चाचा द्वारा किया गया था, अबू तालिब के द्वारा। ठीक है, एक त्यौहार आता है रजब महीने में जिसे बोलते हैं सब्बे मराज। सब्बे मराज, सब्बे मराज यानी राज की बात थी। राज की बात क्या है? एक देवदूत था जिब्राइल, उससे मुलाकात हो गई मोहम्मद साहब की, यानी खुदा ताला से मुलाकात हुई मोहम्मद साहब की। तो उन्होंने नमाज अदा की जिसे मुसलमानों द्वारा दिन में 5 वक्त अदा किया जाता है। 5 वक्त, 5 वक्त की जो नमाज है वो कहलाती है फज्र, जोहर, असर, मगरिब और उसके अलावा ईशा। सूर्यास्त से पहले रात्रि में, सूर्यास्त के बाद, दोपहर के समय, दोपहर के बाद, यानी ये 5 वक्त की नमाज है जिसे प्रत्येक मुसलमान को अदा करनी पड़ती है। नमाज करते समय मुसलमान जो होता है उसका मुंह मक्का की तरफ होना चाहिए, क्योंकि मक्का की जो विशाल मस्जिद है उसमें एक छोटी संगमरमर से बनाई हुई मस्जिद है जिसका नाम है काबा। काबा अब्राहिम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, अब्राहिम। तो जो कहते हैं नमाज अदा करते समय प्रत्येक मुसलमान को उधर मुंह रखना चाहिए, ठीक है, काबा की तरफ। बहुत से त्यारे त्यौहार है, मुहर्रम 10 तारीख को मनाया जाता है, मोहम्मद साहब के नवासे थे, ठीक है, इमाम हुसैन, उनकी शहादत हो गई करबला ईरान में। करबला का मैदान कहाँ है? ईरान में, वहाँ उनकी शहादत हो गई, उसकी याद में बनाया जाता है। ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, ताजिए निकाले जाते हैं। पूरी डिटेल अगर आपको पढ़नी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसका अलग से वीडियो बनाता हूं जिसमें हम चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती सिलसिले और इनके पूरी जानकारी पढ़ेंगे। जैसे 30 दिन के रोज़े, रोज़ा अरबी भाषा के सोम शब्द से बना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। फिर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।